हाँ मेरे जीज लोंड ओवर लोंड हो तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इससे पहले भी मैं इनविजिबल अकाउंट पे 3-4 बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उन सब में मैंने प्रूफ यूज़ किया था आईडी कार्ड। आज की जो वीडियो है ये इनविजिबल अकाउंट की ट्रिक है, लेकिन ये विदाउट आईडी कार्ड में आप सबको आईडी इनविजिबल करके दिखाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में अगर बकचोदी बर्दाश्त कर सकते हो तो बेल के आइकन को भी लात मार दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो आज की वीडियो में मैं कोई भी आईडी कार्ड यूज़ नहीं करने वाला। सबसे पहले आप जो अकाउंट इनविजिबल करना चाहते हो तो उसको एफबी लाइट के अंदर ओपन कर दें। अकाउंट ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है, यही अकाउंट है। सबसे पहले आपको जाना है इसकी सेटिंग में, देन पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद सबसे पहले आपने काम ये करना है कि यहाँ से इसका कोई भी आप नाम चेंज कर दे, जो आपकी मर्जी, ठीक है। ये मैंने नाम रख दिया, देन आपको रिव्यू चेंज पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपसे पासवर्ड मांग रहे हैं, तो आप पासवर्ड टाइप कर दें जो आपके अकाउंट का पासवर्ड। पासवर्ड डालिए, मैंने सबसे पहला जो काम किया अकाउंट का नेम मैंने चेंज कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा अकाउंट का नेम चेंज करने का, ठीक है। देन आपको यहाँ जो भी नेम आप रखना चाहते हो ना निक नेम में, वो आपने रखना है। तो यहाँ भी मैं सेम वही नाम रख देता हूँ। ठीक है, देन आपको ये यहाँ आप चेक कर सकते हो, शो एट ऑफ आ प्रोफाइल, यहाँ आपने टिक मार करके सेव पे क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी हो वो आपकी मर्जी, लेकिन फिलहाल मैं इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो इसका जो फर्स्ट से डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 1, 2000, और ये फीमेल का अकाउंट किसी ने क्लोन करके अभी मुझे सेंड कर दिया, ठीक है। तो पहले मैं इसका जेंडर आपको चेंज करना है या नहीं वो नाम के ऊपर है, ना भी चेंज करो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी ने डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो तो बेशक आप चेंज कर सकते हो, ना भी हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर किसी ने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया तो देन यहाँ आपने टिक मार्क करना है, ठीक है। देन आपने यहाँ ऊपर आप चेक कर सकते हो, सेफ पे आपने क्लिक करना है। सेफ पे आपने क्लिक कर दिया। अभी आते हैं आईडी कार्ड की टॉपिक पे। यहाँ आपसे आईडी कार्ड मांगते हैं ना, तो इसकी जगह आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले ले, तो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ये हमने ले लिया स्क्रीनशॉट। देन आपको एक बार बैक करके सेटिंग में जाना है, ठीक है। यहाँ नाम की जगह पे क्लिक करके आपने यहाँ से सिंपल यहाँ आप चेक कर सकते हो लर्न मोर लिखा है, ठीक है। लर्न मोर पे क्लिक करके आपने यहाँ देख ले, फिल आउट दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट ए नेम चेंज। यहाँ आप कोई भी नाम रख सकते हो जो आपने निक नेम में लिखा हो वही, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ कोई और नाम लिखो यहाँ कोई और नाम लिखो, भाई ऐसा नहीं है। वहाँ मैंने निक नेम में ये नाम डाला था, तो अभी मैंने ये यहाँ लिख दिया,
एक वर्ड आपने छोटा लिखना है, दिन एक आपने बड़ा लिखना है, ठीक है? इससे आपकी अकाउंट अपडेट नेम पे भी जाएगी। दिन आपने ए छोटा, इल बड़ा, आई फिर छोटा, स्पेस डाल के एम डॉट एम, आगे मैं जो लिख रहा हूँ वही आप लिख दे। ये हो गया अपना काम, ठीक है? यहाँ तक दिन आपको नीचे आके यहाँ फिक वन में, ये फिक वन आप चेक कर सकते हो, यहाँ आपने क्लिक करके ये चूज़ करना है एडिंग निक नेम। अब यहाँ अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो चेक की होगी तो आपको पता होगा यहाँ मैं अक्सर आईडी कार्ड अटैच करता हूँ, लेकिन यहाँ अब हम सिर्फ वो स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे जो अभी मैंने आप सबके सामने ले लिया, ठीक है? दिन आपको यहाँ से सेंड पे क्लिक करना है। ये यहाँ से सबमिट हो गई हमारी अपील, अकाउंट कुछ ही टाइम बाद अपडेट नेम पे जाएगा, इसके बाद आगे की वीडियो बनाते हैं। तो जानी लोग, अकाउंट अपडेट नेम पे जा चुकी है। अभी 5-6 मिनट पहले मुझे मेल आया है, ये 12:47 से ऊपर आप टाइम चेक कर सकते हो, और मेल मुझे मिला है 12:29 पे, ठीक है? तो अकाउंट यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये अपडेट नेम पे जा चुकी है। तो अकाउंट को मैं ओपन करता हूँ, ये ऊपर आप देख सकते हो अकाउंट अपडेट नेम पे जा चुकी है। यहाँ मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, ये कन्फर्म योर आइडेंटिटी बता रहे हैं, यहाँ मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हो अकाउंट अपडेट नेम पे, ठीक है? दिन यहाँ आपने डोंट अपडेट पे क्लिक करना है, दिन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, तो सबसे पहले आपने वो स्क्रीनशॉट यहाँ अटैच करना है, ठीक है? ये वाला स्क्रीनशॉट जो आपने आपके नेम के टाइमलाइन से जहाँ निकनेम शो हो वहाँ से जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ मैंने अटैच कर दिया, ठीक है? तो आप भी ऐसे ही करो। यहाँ आपने सिंबल पेस्ट करना है, तो सिंबल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है? ये हमारी सिंबल हो गई, विदाउट ब्रैकेट आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है? ये ब्रैकेट यहाँ से बिना ब्रैकेट के आपने सिंबल कॉपी कर दिया, दिन आपको दो बार पेस्ट करना है सिंबल, ठीक है? जिस नेम से आपने अकाउंट को अपडेट नेम पे भेजा आप वही नाम लिखो, दिन स्पेस डाल के आपने अगेन दो बार यहाँ सिंबल पेस्ट करना है, ठीक है? दिन आपने यहाँ सिंपल इसको सबमिट करना है और वेट करना है अकाउंट इनविजिबल होने तक। 10 मिनट लग जाती है, कभी कभी 5 मिनट लग जाती है। यहाँ से मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं जब तक आईडी हमारी इनविजिबल नहीं होती तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है? यानी लोग, जिस नौ में मुझे मेल वापस मिल गया है, ऊपर आप टाइम भी चेक कर सकते हो, और ये मेल भी जिस नौ पे मुझे मिला अकाउंट इनविजिबल है, फुल इनविजिबल। यहाँ आप मेल भी चेक कर सकते हो। अब मैं जाता हूँ अकाउंट को ओपन करके दिन आपको शो करवा देता हूँ, ऊपर आप चेक कर सकते हो यही अकाउंट था, ठीक है? यहाँ मैं इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ, पासवर्ड मैंने डाल दिया है। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आइडेंटिटी शो करेगी, आपने ओके पे क्लिक करना है। दिन यहाँ आप चेक कर सकते हो, यहाँ आपने अपडेट नेम पे क्लिक करना है, ठीक है? गो टू न्यू फीडबैक। जानी लोग, ये आप चेक कर सकते हो, अकाउंट हमारी फुल इनविजिबल हो गई है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।